हेलो फ्रेंड्स, आज हम कढ़ाई मटन बना रहे हैं और उसके लिए मैंने मटन लिया है 1 किलो, उसको बॉईल करके लिया है। आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं और मटन के साथ भी। उसको मैंने बॉईल करके रख दिया है, आप इसको बिना बॉईल किए भी बना सकते हैं, इस डिपेंड है मटन की क्वालिटी के ऊपर। उसके साथ मैंने लिया है 1/2 किलो प्याज, ये 4-5 टमाटर लिए हैं, फिर धनिया है, पूरा एक बंच है धनिया का, 5-6 मिर्ची है, कुछ कूट के रखी हुई है, कुछ सिलेक्ट की हुई है। उसके साथ है लहसुन, 2 टेबलस्पून भर के लहसुन है जिसको मैंने कूट के रख दिया है, 2 टेबलस्पून जिंजर है जिसको इनको दरदरा कूट के रख सकते हैं आप। फिर मैंने हिस्बे जायका नमक लिया है, 1 टेबलस्पून जीरा है, फिर गरम मसालों में बड़ी इलायची, 1, 2, 3, 4 छोटी इलायची ली है, आप इसे कूट कर रख सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिया है दालचीनी, उसके 2 या 3 पीसेस, कुटी हुई काली मिर्चें और लौंग, ये मैं ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। आप इसके साथ घी, बटर, आपको जो लेना है नॉर्मल ऑयल उससे ले बना सकते हैं। ये मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल लिया है। तो शुरू करते हैं, हमने डेक्चा रख दिया है, अब उसके अंदर उसके गर्म होते ही हम उसमें तेल डालेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसके अंदर फिर मैं पूरा प्याज उसमें ये करूँगी और प्याज को थोड़ा लाइट पिंक होने तक, जिसको हम ट्रांसलूसन कहते हैं, वो हिसाब से उसको भून के लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर से हम उसमें चम्मच चलाते रहेंगे और उसके बाद फिर सारे जितने खड़े गर्म मसाले हैं, जीरा है, हम सब उसमें डाल देंगे। इसको हम प्याज में भूनते हैं तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो आप इसको अच्छे से भून लें और जब पिंक कलर का हो जाए तो हम उसके अंदर हमारा अदरक और लहसुन, ये दोनों चीज़ें हम डालेंगे उसके अंदर और उसको अच्छे से भून लें। भून के होने के बाद इसमें आप अगर चाहिए तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं अभी। फिर उसके बाद हम डालेंगे नमक ताकि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और फिर ये जो स्लिट लगाई हुई मिर्चियाँ हैं वो, और जो कुटी हुई है जो थोड़ी सी मैंने कूट के ली है, आप स्पाइसी अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि जितना भी आप स्पाइसी कम खाते हैं, मेरे यहाँ कम खाते हैं तो मैंने कम लिया है। और ये जो चिकन मटन कढ़ाई जो मैं आपको दे रही हूँ रेसिपी, ये बहुत ही लाइट और मतलब एकदम हेवी नहीं होती है स्टमक पे, क्योंकि इसमें बहुत कम मसाले हैं। अब जाता है इसमें टमाटर, मतलब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, हल्दी मिर्ची धनिया जो आपके हाजमे को ख़राब करती है, ऐसे कोई भी इसमें ये नहीं है। अब जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होने लगे, थोड़े गलने लगे, तो ये ब्लैक पेपर जो हमने कूट के रखी हुई थी वो डाल दीजिए। जैसे ही ब्लैक पेपर का भुनना हो गया है तो आप हरी धनिया डाल दीजिए, जो हमने पूरा एक बंच लिया है। अगर आपके पास मिंट है तो आप मिंट भी डाल सकते हैं, मेरे पास सिर्फ धनिया था तो मैंने धनिया ही लिया, अगर मिंट है तो मिंट भी उतनी ही क्वांटिटी में मिंट लीजिए, तो उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो जैसे ही ये भून गया, थोड़ा हल्का भून गया, सब चीज़ें मिक्स हो गई, मसाला बन गया, तो बिना पानी के, अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो ये जो स्टॉक जो आया है हमने बॉयल करने के बाद, आप वो ना डालें, सिर्फ गोश्त डालिए और थोड़ी देर के लिए उसको दम दे। कभी कभी किसी को चावल के साथ खाना पसंद है, मैं चावल के साथ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मैं तो ये स्टॉक बाद में यूज़ कर लूँगी, नहीं तो ये स्टॉक आप रख सकते हैं, इसको फ्रीज करके आप सूप में यूज़ कर सकते हैं या आप किसी भी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे ये मैंने डाल दिया है, थोड़ी देर के बाद इसको हम ढक के रख देंगे, बंद करके रख देंगे अच्छे से मिक्स करके, क्योंकि जो गोश्त का मसाला है वो गोश्त के अंदर जाना चाहिए। 5 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो जितना भी मिक्स हुआ है, तो अगर मुझे लगता है कि मुझे पानी चाहिए तो मैं उसमें अपने हिसाब से वो स्टॉक, मैं नॉर्मल पानी नहीं डालूंगी, स्टॉक डाल दूंगी जो मैंने रखा है, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा लगे कि ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई है तो मैं एक्स्ट्रा पानी भी डाल दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये आधा स्टॉक डाल दूँ, तो मैं इसमें अपना वो स्टॉक डाल रही हूँ। तो जैसे और थोड़ा 2 मिनट के लिए इसको बंद करके रख दीजिए, फिर उसको आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मसाला पूरा चला गया तो उसके ठीक है। अब हम आते हैं राइस के ऊपर, मैंने ये लिया है मेरी फैमिली के हिसाब से, तो ये मैंने 3 कप राइस लिया है, राइस 3 फुल भर के बासमती राइस लिया, जिसे मैंने 2 घंटा भिगा के रखा था पानी में, सोक करके रखा था।
ठीक है। तो इसके बाद है ये ज़ीरा, द बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्ची और नमक और दालचीनी और स्टार एनिस जिसको हम चक्रीफूल कहते हैं वो लिया है, दो मिर्ची अखी पूरी मिर्ची है, और उसके साथ मैंने प्याज लिया है एक छोटा सा प्याज, उसके साथ घी। पुलाव ज़्यादा घी में अच्छा लगता है इसलिए मैं घी में प्रेफर करती हूँ, और वो भी असली घी में, तो मैं पुलाव नॉर्मली घी में ही बनाती हूँ। तो हम शुरू करते हैं। तो उसके अंदर मतलब जैसे मतलब मैंने एक दो चम्मच घी लिया है, अब घी गर्म हो गया है तो उसमें मैंने प्याज डाल दिया है, गरम मसाले डाल दिए हैं, सारे खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं, और अच्छे से थोड़ा पिंकिश होने तक भून लेना है उसे। फिर उसमें दो मिर्ची जो अखी मतलब उसको आप स्लिट लगाना है, चाहे स्पाइसीनेस चाहिए तो स्लिट लगा दीजिए। और अभी तीन कप के लिए मैं साढ़े चार कप पानी लूँगी ताकि पुलाव मेरा सॉफ्ट ना, एकदम मतलब राइस एकदम टूट ना जाए, मतलब पूरे खिला खिला पुलाव बने। तो मैं उतनी हिसाब से राइस का जो पानी है वो चार से साढ़े चार कप लूँगी, क्योंकि मेरे राइस थोड़े पुराने हैं तो मैं साढ़े चार कप ले रही हूँ। अगर आपके राइस नए हैं तो आप थोड़ा कम पानी रखें, क्योंकि पानी से ही आपके पुलाव का टेक्सचर सही और गलत होगा। अब इसमें नमक डाल लीजिए, और जैसे आपको ऐसा लगे कि पानी कम हो गया तो आप उसके अंदर और पानी डाल सकते हैं, और इसको बॉईल आने तक रख दीजिए। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाए तो पूरा राइस इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वो मटन स्टॉक जो आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो भी आप इस राइस के अंदर डाल सकते हैं। तो ये इसके साथ बहुत ही अच्छा जाता है, टेस्ट में भी अच्छा होता है, उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा, फ्लेवर अच्छा आता है राइस में। तो आप वो स्टॉक इसमें ऐड कर सकते हैं, यखनी बोलते हैं जिसको, वो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसको दो मिनट के लिए ऐसे ही पकाते रहिए स्लो आंच पे, और जैसे ही दो मिनट के बाद हो जाए तो आप उसमें ये ऐसे थोड़ा जो टेक्सचर देखिए ज़रा सूख गया है पानी पूरा, तो इसमें हल्के हल्के से चम्मच ये करें, ताकि जो राइस बासमती राइस का पुलाव है, ये एक टेक्निक है जो मेरे डैडी ने मुझे सिखाई, तो मैं आपको सिखा रही कि आप उसमें चम्मच लगाते जाइए तो वो थोड़ा खुला रहेगा, और सिर्फ दो मिनट रख दीजिए, और दो मिनट के बाद आपका पुलाव डन। ये आपका फाइनल डिश प्रेजेंटेशन, और ये पुलाव है, और उसके साथ रायता सर्व कीजिए, पकौड़ सर्व कीजिए, व्हाटएवर आप बना के देखिए। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपको सबको बहुत पसंद आए तो मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।